तो सबसे पहले बात करेंगे महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस की बात करेंगे, कब इनका जन्म हुआ था आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। जन्म की बात करेंगे कब जन्म होगा, तो 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था गुजरात के, मतलब पोरबंदर में इनका जन्म होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विवाह की बात करेंगे तो 13 वर्ष की आयु में इनकी विवाह होती है कस्तूरबा गांधी से, इनकी विवाह होती है कब होती है, 1882 में इनका विवाह होता है, ठीक है। और विवाह के बाद तो 6 वर्षों के बाद 1888 में मतलब इंग्लैंड चले गए, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इंग्लैंड चलने की बात होती है 1888 में गए, बहुत लोग 93 बार कराते हैं, 93 में एक्चुअली मतलब वो दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्याओं को सुलझाने के लिए डरबन गए थे, और डरबन उस समय दक्षिण मतलब उस समय क्या अभी भी दक्षिण अफ्रीका में ही है, ठीक है। तो 3-4 तारीख है, 1869 में जन्म हुआ, 1882 में विवाह हुआ, विवाह के वक्त इनकी आयु की बात करेंगे तो मात्र 13 वर्ष की इनकी आयु थी। 1888 में कहाँ गए, इंग्लैंड चले गए, ध्यान में रखेंगे। और वहां से 1893 में दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्याओं को सुलझाने के लिए डरबन गए। दादा अब्दुल्ला की एक मतलब कंपनी हुआ करती थी जिसमें मतलब विवाद हो गया था इनका पार्टनर से, ठीक है, दोनों को, दोनों गुजराती थे, और वहां पे जो सारा एग्रीमेंट वगैरह जो था किस भाषा में था, गुजराती में था, तो इनको एक ऐसा वकील चाहिए था जो कि अंग्रेजी भाषा को भी अच्छा जानकारी रखता हो और उसको गुजराती भाषा भी आता हो। तो किसी व्यक्ति ने महात्मा गांधी का सुझाव दिया, उसको ऐसा व्यक्ति से फ्राटेदार अंग्रेजी बोल लेता है और गुजराती है तो गुजराती तो उसको आता ही है, तो गांधी जी को अप्रोच किया गया दादा अब्दुल्ला के द्वारा। देन गांधी जी 1893 में गए किसी और काम के लिए और किसी और काम में वहां पे उलझ कर रह जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे जब 1903 में जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहां पर उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। कई बार एग्जाम में पूछा है 1903 में इंडियन ओपिनियन, याद रखिएगा, समाचार पत्र था, कहाँ से निकलता था, तो दक्षिण अफ्रीका से निकलता था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1899 में एक युद्ध होता है, ठीक है, जिसको बोअर के युद्ध कहा जाता है। अब बोलेंगे बोअर के युद्ध किसके किसके में होता है, तो दक्षिण अफ्रीका के जो वहाँ के जो लोकल जो होता है उनके और मतलब ब्रिटिश के खिलाफ बोअर का युद्ध होता है। और उस समय इनको बोअर पदक से सम्मानित किया गया था, इस पदक को भी बाद में जैसे कैसर हिंद की उपाधि जब लौटाएंगे ना तो उस समय बोअर पदक को भी वापस कर देंगे, कब करेंगे, तो 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में, ठीक है। और वहां पे उन्होंने एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी, ठीक है, इसलिए 1899 में बोअर युद्ध के दौरान इनको मेडल से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। 1899 में बोअर युद्ध याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताइए जरा, आप लोग भी कुछ बोलिए। नटाल इंडियन कांग्रेस 1800, चौरासी बिल्कुल 1884 है, 94 है, कब है, 1894, न चौरानवे देख के भी गलत बोलना है, ठीक है। और स्वयं गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का और अपमान का सामना कब करना पड़ा था, 1893 करना पड़ा था। यहाँ पे एक स्टेशन का नाम बताएंगे, ठीक है, उस स्टेशन पे गांधी जी को ट्रेन के प्रथम श्रेणी की बोरी से बाहर निकाल दिया गया, निकाला नहीं गया था एक्चुअली में, धक्का मार के धक्का देके ट्रेन से गिरा दिया गया था, उनके सारे सामान को फेंक दिया गया था। ये स्टेशन का नाम की बात, क्या नाम उसका, पीटर पीटर मारिट्सबर्ग, मारिस क्या नाम है स्टेशन का, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन का नाम याद रखिएगा, ठीक है। गांधी जी को प्रथम श्रेणी की बोगी से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया था। तो क्या क्या फैक्ट मैंने आपको बताया, सबसे पहले 1869 में इनका जन्म हुआ था, 1882 में इनका विवाह हुआ था, 1888 में इंग्लैंड चले गए, 1893 में इंग्लैंड से ही दादा अब्दुल्ला की मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, 1903 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की स्थापना की, 1899 में उन्होंने बोअर युद्ध के दौरान एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, और 1894 में सॉरी 1893 में नस्लीय भेदभाव का अपमान करना पड़ा था इनको, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पे उन्हें ट्रेन के प्रथम श्रेणी की बोगी से मतलब बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1904 में, 1904 में कौन सी आश्रम की इन्होंने स्थापना किया, तो क्या बताएंगे, तो फिनिक्स सेटलमेंट, ठीक है, ध्यान में फिनिक्स आश्रम कहते हैं, फिनिक्स सेटलमेंट नटाल, ठीक है, ध्यान में नटाल में, ठीक है, फिनिक्स सेटलमेंट, फिनिक्स आश्रम भी कह लीजिए, ठीक, ध्यान में रखेंगे। उनसे पहले टॉलस्टॉय फॉर्म का अग्रगामी था, ठीक है, टॉलस्टॉय की बात करेंगे, रशियन लेखक थे, कौन थे, रशियन लेखक थे, इनकी एक पुस्तक आती है टॉलस्टॉय की जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है, कौन सी पुस्तक है टॉलस्टॉय की, टॉलस्टॉय की पुस्तक का नाम बताइए कोई आदमी, अगर याद है आपको तो, नहीं याद है तो मैं बता दूंगा, नहीं याद है किन लोगों को, वार एंड पीस, ठीक है, ध्यान में रखिए क्या नाम है पुस्तक का, वार एंड पीस, ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है, वार एंड पीस पुस्तक का नाम है, ठीक है, टॉलस्टॉय का ही पुस्तक है, इसको आपको ध्यान में रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। चलिए जो भी नए लोग हैं आप वहां पे एक चैनल का लिंक दिया होगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको अपडेट वहीं पे जाता है क्लास का, ठीक है। 1900 कभी कभी पूछा ब्रह्मचर्य का व्रत कब लिया था, तो 1906 में इन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था, ठीक है, ब्रह्मचर्य का व्रत कब लिया था, 1906 में इन्होंने लिया था, ठीक है।
यहाँ पे 1908 में देखेंगे तो मगनलाल गांधी के सूत्रीकरण, ठीक है, सदाग्रह के आधार पर सत्याग्रह को अपनाया था, ठीक है। तो इन्होंने सत्याग्रह को अपनाया था, लेकिन उनसे पहले सदाग्रह जो था कि इनका था, मगनलाल गांधी के सूत्रीकरण सदाग्रह के आधार पर इन्होंने सत्याग्रह पद को अपनाया था। हम लोग इसको डिटेल्स में बात कर लेंगे, ठीक है। 1909 में क्या होता है, तो 1909 में इन्होंने कैसल जहाज पे, ठीक है, पूछा जाता है किल्डोनन, किल्डोनन कैसल जहाज पे हिंद स्वराज लिखी थी। क्या लिखी थी? हिंद स्वराज इनके द्वारा कब लिखा गया था? 1909 में लिखा गया था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखिएगा। सारा तारीख एग्जाम के मध्य अगर बात करेंगे तो सारा तारीख महात्मा गांधी से रिलेटेड क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 में। बहुत सुंदर। जब भारत जब 9 जनवरी 1915 को लौटे तो वर्तमान स्वरूप में इस 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर मजदूर दिवस। वो बहुत सुंदर। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, कौन सा प्रवासी दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 9 जनवरी को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात की कैसर हिंद की उपाधि, मेडल से इनको सम्मानित किया 1915 में, उन्हें कैसर हिंद की मेडल से सम्मानित किया गया था, ध्यान में रखेंगे। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले का दक्षिण अफ्रीका दौरा आरंभ हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के मतलब क्या थे, राजनीतिक मतलब क्या थे, गुरु थे, ठीक है। वर्ष 1910 में बात करेंगे तो इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, तो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में किया था। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया था, मैंने आपको पहले बताया था याद रखने के लिए, फिनिक्स फार्म 1904 में बिल्कुल, उन्नीस सौ इतना धीमा से नहीं बोलना, थोड़ा जोर से ही बोल सकते। कब किया था, 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम। और टॉलस्टॉय कब बताएंगे, टॉलस्टॉय, 1910 टॉलस्टॉय को ध्यान रखना है, 1900 दस 1910 में, ठीक है। चलिए बात, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में। साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1917 में क्या हो रहा है, प्रथम सवनीय अवज्ञा की शुरुआत की बात करेंगे, ठीक है। तो 1917 में चंपारण में किया था, लेकिन चंपारण वाला आंदोलन जन आंदोलन था या नहीं था, क्या चंपारण सत्याग्रह एक जन आंदोलन था, क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे, क्या नहीं चंपारण सत्याग्रह एक जन आंदोलन था? हाँ? अरे या तो नहीं हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, दोनों में से कुछ बता दीजिए। नहीं था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जन आंदोलन नहीं था, क्योंकि एक लिमिट क्षेत्र में हुआ था, एक मतलब लिमिट लोगों की मतलब सहभागिता थी, इसलिए चंपारण सत्याग्रह जन आंदोलन नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रथम जन आंदोलन अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, असहयोग बताएंगे, क्या बताएंगे, असहयोग असहयोग बताएंगे, ठीक है। चलिए 1900, देखिए चंपारण के बाद, देखिए दोनों में कंफ्यूजन होता है, ये पहले हुआ या फिर ये पहले हुआ, अहमदाबाद पहले हुआ, खेरा सत्याग्रह पर, आपको क्या देगा एग्जाम में, एग्जाम में 4 को डेट दे देगा, बोलेगा इसको क्रम में बताइए, सजाइए इसको, से कौन पहले हुआ था, आप हमें ये बताओ, अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले होता है या फिर खेरा सत्याग्रह पहले होता है, कौन होता है, अहमदाबाद होगा, अहमदाबाद बिल्कुल, ठीक है, अहमदाबाद बात करेंगे मील हड़ताल के 1918 में, ठीक है। पहली भूख हड़ताल गांधी जी ने यहीं पे, पहली बार भूख हड़ताल कहाँ पे गांधी जी ने, अहमदाबाद यहीं पे, ठीक है, ध्यान में बच्चे रखेंगे। और खेरा सत्याग्रह इसके बाद होता है, जो कि पहला असहयोग, ठीक है। अगर पूछेगा पहला सविनय अवज्ञा के आंदोलन का भारत में प्रयोग गांधी जी ने कहाँ पे किया, तो चंपारण चंपारण सत्याग्रह में किया, ठीक है। गांधी जी ने पहला असहयोग कहाँ पे किया, अब अभी दोनों का चंपारण अर्थ समझ रहे, सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है, सविनय अवज्ञा करना, अवज्ञा करना मतलब हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, लेकिन बातों को नहीं मानने का दो तरीका हो सकता है, एक तो तगड़ा विरोध करके नहीं मानेंगे, और दूसरा क्या होता है, आराम से आपके चीजों को मतलब सिंपल तरीकों से आपको मतलब क्या करेंगे, वो करेंगे, इग्नोर करेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा का अगर पहला प्रयोग की बात करेंगे चंपारण में, पहला असहयोग की बात करेंगे तो खेरा सत्याग्रह में पहला असहयोग था। 1920 में असहयोग आंदोलन, क्या चंपारण चंपारण बिहार में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, बिहार कहाँ में मोतिहारी जिला, उसे मोतिहारी बेतिया सब जो भी देखने, पूर्वी पश्चिमी चंपारण जो सब एक ही था, ठीक है, बिहार में चंपारण पड़ता है, ठीक है, बिहार से नहीं है आप, नहीं अच्छा इसीलिए आपको नहीं पता है, वैसे तो ये तो सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन की मतलब क्या होती है, शुरुआत होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। खेरा पता है कि नहीं, खेरा यस सर, गुजरात में पड़ता है खेरा, ठीक है, गुजरात में, गुजरात, अहमदाबाद, ये मत कहिएगा कि ये हमको नहीं पता है, और ये पता है अहमदाबाद कहाँ है, यस सर, गुजरात में पड़ता है हाँ ठीक अहमदाबाद। है। चलिए
खेड़ा और अहमदाबाद दोनों गुजरात में, चंपारण बिहार में, ठीक है। और बात करेंगे असहयोग की, शुरुआत 1920 में होती है। वर्ष 1920 में हंटर आयोग को अमृतसर के जलियांवाला नरसंहार की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। अगर पूछेगा हंटर कमीशन किससे संबंधित है, तो जलियांवाला बाग में क्या नरसंहार हुआ था उससे आपका संबंधित क्या, हंटर कमीशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग में नरसंहार या अमृतसर का नरसंहार कहते हैं, ठीक है। अब इसी के बात करें उससे पहले की घटना है, वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट जो था एक लाया गया था, ध्यान में रखिएगा, जिसके खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया गया। विशिष्ट कानूनों के खिलाफ वर्ष सविनय और गिरफ्तारी में कारावास के लिए समर्पण था। इसमें किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, उसमें किसी भी तरह का वकील रखने का भी प्रावधान नहीं था, ठीक है। ना वकील ना दलील, क्या बोलते थे, ना ना तो वकील ना तो दलील, समथिंग इसी तरह। काला कानून की संज्ञा दी गई थी, किस प्रकार की, काला। ये रॉलेट एक्ट जो था, सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया था। ये कमीशन जो थी आपकी 1917 में बनी थी, कब बनी थी, 1917 में बनी थी, ठीक है, ध्यान में कब बनी थी, 1917 में, 1917 में बनी थी, ठीक है। 1919 में इसको लागू की जाती है, ठीक है। इसमें किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके आई थिंक 2 वर्ष तक का सजा का प्रावधान था, ठीक है। 2 वर्ष तक तक किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, भले ही उस पर जुर्म साबित हो या नहीं हो, बिना किसी कानून का, बिना किसी, उसको वकील तक रखने का भी परमिशन नहीं रखा गया था। इतना खतरनाक मतलब कानून था। गांधी जी इसी कानून का मतलब पंजाब के लोग विरोध कर रहे थे, और विरोध करने के लिए एक सभा मतलब बुलाई जाती है, जिसपे जनरल डायर ने मतलब गोली चलाने का आदेश जारी किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते 1922 में क्या होता था, बारडोली तालुक के लोगों ने भू राजस्व के भुगतान के खिलाफ सविनय अवज्ञा के लिए मतलब संकल्प लिया। 1922 में और भी घटना होती है, इसको चौरा चोरी के में पुलिस कर्मियों की मतलब मौत होती है। इसी घटना के बाद, इसी घटना के समय गांधी जी क्या करते, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते, ठीक है। और जिस समय ये चौरा चोरी की घटना होती है, तो असहयोग के वापस लेने के समय गांधी जी आई थिंक बारडोली में थे, जो मुझे याद आ रहा है। और असहयोग को वापस कब लेते हैं, तो 12 फरवरी को लेते हैं। कब लेते हैं, 12 फरवरी को असहयोग को वापस ले लेते हैं, ठीक है। असहयोग, ये चौरा चोरी की घटना की बात करेंगे तो 1922 में 5 फरवरी को होती है, ठीक है, कहीं कहीं पे 4 फरवरी में मिलेगा, ठीक है। तो 5 फरवरी को होती है, अब 12 फरवरी को गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं, ठीक है। बेलगाम कांग्रेस की बात करेंगे तो यहाँ पे अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, गांधी जी ने एकमात्र अध्यक्षता की थी, बेलगाम कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र एक गांधी जी ने की थी। और ये बेलगाम की बात करेंगे तो आपको कर्नाटक में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, याद रखिए कर्नाटक में पड़ता है। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र सेशन की अध्यक्षता की तो बेलगाम वाला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांधी जी 1922 में अरेस्ट होते हैं, 1922 में अरेस्ट होते हैं, 24 तक जेल में रहते हैं, लेकिन 24 में जेल से बाहर निकलते हैं, और वो मतलब क्या करते हैं, बेलगाम कांग्रेस की मतलब क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे उसके बाद क्या होता है, 1925 में गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का गठन किया। स्पिनर समझते हैं क्या होता है, स्पिनर्स, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, चरखा को बोलते हैं, स्पिनर्स बोलते हैं, जो कि मतलब सूत कटाई का काम आता है, गेंदबाज मत समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, इसको और किस नाम से जानते हैं, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, DEL, दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। एक दिल्ली समझौता हुआ था, दिल्ली समझौता 1952 में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दिल्ली समझौता कश्मीर को मुद्दा के लेके दिल्ली समझौता है, ठीक है। एक दिल्ली अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, दिल्ली अंडरस्टैंडिंग भी कश्मीर को मुद्दे को लेकर है, ठीक है। 1952 से पहले दिल्ली अंडरस्टैंडिंग होता है, 1952 में दिल्ली समझौता होता है, एक दिल्ली गांधी इरविन समझौता का दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, जो कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, तो उस पर हम लोग इसके लिए बात कर लेंगे, ठीक है। जो भी नए लोग आ रहे हैं, आप होमवर्क ग्रुप में एक लिंक गया होगा, जो कि चैनल के लिंक है, सभी लोग उसको जुड़ जाए, बहुत सारे क्लास का अपडेट, बहुत सारे पीडीएफ आपको वहां पे दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब वर्ष 1930 में बात करेंगे तो सत्याग्रह आश्रम में डांडी मार्च मतलब क्या हुआ, आरंभ हुआ 1930 में, ठीक है। सत्याग्रह आश्रम से डांडी मार्च की बात करेंगे, डांडी कहां पे पड़ता है, डांडी कहाँ पे पड़ता है, बिल्कुल डांडी कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से गांधी जी अपने कितने साथियों के साथ डांडी की यात्रा मतलब शुरुआत करते, गांधी जी कितने साथियों के साथ, 72 साथियों के साथ या फिर 78, बिल्कुल 78 साथ। क्या इसमें से कोई बिहारी था, क्या इसमें से कोई बिहारी था, कितने बिहारी थे, अगर बिहारी थे तो कितने थे, बिल्कुल एक ओनली एक बिहारी था, ठीक है। नाम कुछ है उसका, लेकिन हर गिरिवरधर चौधरी था, हर गिरिवरधर चौधरी, हाँ बिल्कुल एक ही बिहारी था इसमें, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एक ही बिहारी थे इसमें, ठीक है। ये चलिए दरभंगा में इसे कारो बाबू के नाम से भी जाना जाता है, कारो बाबू,
हाँ एक बिहारी इसमें जो थे पहुंच चुके थे, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलेंगे वर्ष 1929 में, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, अरे माउस कहाँ गया, इधर है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मतलब प्रस्ताव को मतलब पारित किया गया। इससे पहले इससे पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में रखी गई, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं, वी वांट नाउ टोटल इंडिपेंडेंस। कांग्रेस इससे पहले क्या मांग कर रही थी, कांग्रेस इससे पहले क्या मांग कर रही थी, तो कांग्रेस इससे पहले, ठीक है, डोमिनियन स्टेट की कर मांग, नहीं, डोमिनियन स्टेट की मांग कर रही थी। क्या बोलते हैं, डोमिनियन स्टेट की मांग कर रही थी कांग्रेस इससे पहले, लेकिन 1929 में अपने चीजों का मतलब, आप बोलोगे सर डोमिनियन स्टेट क्या होता था, डोमिनियन स्टेट में होता है ना एक तरह का मतलब गृह राज्य की स्थापना करना होता है, जिसमें आपका विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, आपका डाक तार, जो भी सूचना वगैरह जो होता है, ठीक है, आपका रक्षा जो होता है किसके पास रहेगा, ब्रिटिश सरकार के पास रहेगा, लेकिन फिर भी आपका बहुत सारे चीजों में आप क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। तो उसी तरह की चीजों का मांग किया जा रहा था, लेकिन 1929 में जाके पूरी तरीके से स्वतंत्रता, टोटल इंडिपेंडेंस की मांग की गई कांग्रेस के द्वारा। ये आपका लाहौर अधिवेशन था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1925 में क्या होता है, इनकी ऑटोबायोग्राफी, हिंद स्वराज कब लिखा था गांधी जी ने, अभी मैंने जस्ट थोड़ा पहले बताया, हिंद स्वराज, 1903 में ना। हाँ 1909 में ना, हिंद स्वराज, ठीक है, अभी ऊपर तो बताया हिंद स्वराज, स्वराज अभी जस्ट ऊपर बताया, सारा तारीख आपको याद रखना है, ठीक है, कहाँ गया, 1909 में हिंद स्वराज, ठीक है। 1903 में क्या था फिर, 1903 में, 1903 में इंडियन ओपिनियन, क्या था, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, 1903 में इंडियन ओपिनियन, 1906 में था क्या, ना सर इंडियन ओपिनियन, नहीं, 1903 में, 3 महीने 1906 में नहीं होगा कुछ, ठीक है, 1903 में इंडियन ओपिनियन, 1909 में हिंद स्वराज, ठीक है, उसके बाद आते हैं 1900, ठीक है, 1925 में आते हैं, 1925 में इन्होंने मतलब एक पुस्तक लिखी जिनका नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, क्या नाम था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी क्या आत्मकथा है, जो कि 1925, कोई आप बहुत ही स्लोली बहुत ही अच्छे तरीके से उसका उत्तर देंगे, ठीक है। सभी लोग जो भी है नए लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल आपका ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है। अब 1931 में क्या होता है, गांधी जी लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने गए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब गांधी जी के साथ कौन कौन गया वो मैटर नहीं, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि वन एंड ओनली गांधी जी अकेले थे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1932 में क्या होता है, तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसका उद्देश्य क्या था, सांप्रदायिक पंचायत का उद्देश्य क्या था, तो सांप्रदायिक पंचायत का उद्देश्य की बात की, इसका उद्देश्य दलित वर्गों सहित कई समुदायों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब दलित समुदाय के जो व्यक्ति जो होंगे उनको वोट करने का अधिकार केवल दलित कैंडिडेट को ही होगा, ठीक है, इससे मतलब हिंदू से एक बड़ा तकवा जो था टूट के अलग हो जाता, इसलिए गांधी जी ने इनका मतलब क्या किया, जमकर मतलब क्या क्या विरोध किया। और गांधी जी आमरण अनशन पे, ठीक है, क्या बोलते थे उसको, मतलब फास्ट अनटू द डेथ, क्या बोलते थे, फास्ट अनटू द डेथ, मतलब जब तक डेथ नहीं हो जाएगा तब तक मैं फास्ट करूंगा। इस समय गांधी जी कहां पे थे, जिस समय सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी, गांधी जी कहां पे मतलब भूख हड़ताल करती, कहां पे की, आपके घर के आगे में, दिल्ली में, पटना में, पुणे की यरवदा जल में, या फिर साबरमती पुणे आश्रम में, की यरवदा जी, बिल्कुल पुणे के यरवदा जल में इन्होंने कौन सा किया, तो फास्ट अनटू द डेथ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य दलित वर्गों सहित समुदायों के लिए निर्वाचक मंडल, अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था, इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इनको मनाने के लिए कौन पहुंचते हैं, ताकि गांधी जी भूख हड़ताल को छोड़ दे, लखनऊ अंबेडकर थे जी ना, पहुंचते, कौन कहते हैं, नहीं, सबसे पहले अंबेडकर जी पहुंचेंगे, और अंबेडकर जी बोलेंगे देखिए गांधी जी सब बात तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन आपके मरने का कारण मैं नहीं बनना चाहता, नहीं तो ये लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, तो बताइए आपको क्या चाहते हैं। तो गांधी जी कहते से देखो अंबेडकर ऐसा करो से ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन की जो बात हो रही इसको तुम छोड़ दो, तुमको विधानसभा में तुमको सीट चाहिए ना, तुम्हारा जितना सीट जो दलितों को जो मिला हम सीटों की संख्या को क्या करेंगे और अधिक मतलब क्या करेंगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अंबेडकर जी इनके बातों से सहमति हो जाते हैं, उनके बाद तेज बहादुर सुकरू के योगदान से दोनों के बीच में मतलब कौन सा होता है, तो दोनों के बीच में पूना पूना पैक्ट पैक्ट होता है, कौन सा पैक्ट होता है, पूना पैक्ट होता है। पूर अब पूना पैक्ट कहाँ पे होता है, यरवदा जेल में ही होता है, ठीक है, यरवदा जेल में ही,
गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट होता है, ठीक है। पूछा जाता है गांधी जी के बिहाफ में पूना पैक्ट के डॉक्यूमेंट में हस्ताक्षर किसने किया था, तो क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? हाँ, अंबेडकर जी ने, अंबेडकर जी। अंबेडकर जी तो एक पार्टी खुद ही थे, तो अंबेडकर जी गांधी जी के बिहाफ में कुछ गांधी जी ने सिग्नेचर ही किए करेंगे? थे ना सर पूना पैक्ट, नहीं सर नहीं गांधी जी ने नहीं ही किए थे ना। मदन मोहन मालवीय। गलत नहीं ना बता रहा हूं, मुझे तो यही याद आ रहा है। मैं ये सही जानती हूँ सर कि गांधी जी ने किए थे। मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, मुझे तो यही याद है, हो सकता है, लेकिन मुझे यही याद है मदन मोहन मालवीय जी होना चाहिए, ठीक है। गांधी जी के बिहाफ में इन्होंने सिग्नेचर किया था, ठीक है। 1932 में पूना पैक्ट में हस्ताक्षर किए गए, इसमें दलित वर्गों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन सामान्य मतदाताओं द्वारा मतदान किया था जाना था, मतलब दलित वाला जो सांप्रदायिक पंचायत वाला जो था उसको त्याग दिया गया, ठीक है। हरिजन सेवक संघ की गांधी जी के द्वारा स्थापना कब किया गया, तो 1932 में। कब किया गया? 1932 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते 1946 में, तो 1946 में 3 सदस्यीय ब्रिटिश प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचा, जिसका नाम था स्टेट, इस पर बीपीएससी पूछा, क्रिप्स था, पैथिंग क्लोरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था। ये कौन सा मिशन था? 1946 वाला जो मिशन जो भारत आया, इसको कौन सा मिशन के नाम से जानेंगे? कैबिनेट 1946 में कैबिनेट मिशन, मिशन मैडम, ठीक है, कौन सा? कैबिनेट मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन, ठीक है। और क्रिप्स इसमें कौन कौन लोग मिशन सर जी थे? सर। स्ट्रेट फॉर क्रिप्स थे, पैथिंग क्लोरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। कौन सा मिशन आएगा? कैबिनेट मिशन आएगा, ठीक है। और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पे भारतीय संविधान सभा की मतलब नींव रखी गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1942 में बात करेंगे, भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया गया, और यहीं पे मतलब गांधी जी के द्वारा नारा को मजबूत किया गया, जिसका नाम था करो या मरो का नारा, डू और डाई के नारा, ठीक है, करो या मरो, ठीक है, डू और डाई, ठीक है, सर ध्यान इसी में को ना रखेंगे। अगस्त क्रांति इसी को बोला जाता है सर। बिल्कुल, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं इसको, बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, और इसको बोलेंगे तो 8 अगस्त की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। हाँ, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। दूसरी बार एक प्रश्न इससे और भी था, ध्यान में था, क्या भूल गया मैं? जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस समय मतलब भारत के वायसराय कौन थे? लेते गो लॉर्ड बिल्कुल लिनलिथगो। लिनलिथगो थे, ठीक है, कौन थे? लिनलिथगो थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेता कौन था? गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, या फिर कोई नहीं? गांधी गांधी जी जी। थे ना सर। ये लीडरलेस था, ठीक है, LEADR, लीडरलेस, ठीक है। एक अभियान शुरू होता है, ठीक है, जीरो जीरो आवर, ठीक है, जीरो आवर में, मतलब तो 12 बजे से पहले सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, इसे भारत छोड़ो आंदोलन जो था एक लीडरलेस था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गांधी जी जेल में हो जाते, शुरुआत होने के बाद ही गांधी जी सारे के सारे बड़े नेतों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 1936 में त्रावणकोर मंदिर हरिजनों के लिए खोले गए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। त्रावणकोर में बड़ा विवाद था, मंदिर में मतलब हरिजनों को प्रवेश करने के लिए नहीं दिया गया था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1933 में हरिजन सेवक हिंदी में और हरिजन बंधु गुजराती में प्रकाशन प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो 1933 में हरिजन सेवक का मतलब प्रकाशन प्रारंभ होता, जो कि हिंदी में था। हरिजन दो, हरिजन 1933 में याद रखेगा, ठीक है, हरिजन का दो पार्ट निकलेगा, एक हिंदी वाला जिसको हरिजन सेवक कहते थे, एक हरिजन बंधु जो था गुजराती में, ठीक है, 1933 में याद रखेगा, ठीक है। अब आते 1946 में, कांग्रेस की कार्य समिति ने संविधान सभा के गठन को स्वीकार करने का मतलब संकल्प जो था मंजूर किया, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी जी की मतलब क्या कर दी? हत्या कर दी। अब वर्ष 1948 में रामदास ने यमुना के तट पे उनका अंतिम संस्कार किया गया, कहाँ पे? रामदास, रामदास गांधी कौन थे? बिल्कुल, बेटे थे ना उनके। उनके पुत्र थे, ठीक है। उन्होंने अंतिम संस्कार किया, दिल्ली में गांधी जी को समर्पित किया है, एक स्मारक भी है, ठीक है। चलिए, आप मैं जल्दी से आपको रिवीजन करता हूँ, जल्दी जल्दी बताइए गांधी जी का जन्म का बताइए, साल बताइए, सबका साल बताते जाइए। पहले 1869 गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कब हुआ? 1882 1882 गांधी जी इंग्लैंड कब गए? अठारह अठारह सौ अठासी अठारह का केस लड़ने के लिए इंडियन अठारह सौ तिरानवे ओपिनियन नामक समाचार पत्र की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में कब किए गांधी जी ने? उन्नीस के दौरान भारतीय भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना कब किया इन्होंने? अठारह सौ निन्यानवे 1899 में, अठारह स्थापना कब किया उन्होंने? नेटाल इंडियन कांग्रेस। सौ चौरानवे गांधी जी को नस्लीय भेदभाव का सामना कब करना पड़ा, जब उनको एक स्टेशन से धक्का मार के ट्रेन से निकाल दिया गया, उस स्टेशन का नाम था पीटर मारिट्सबर्ग में, कब हुआ था ये अठारह घटना?
1893 में, ठीक है। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब हुआ? टॉलस्टॉय, चलिए, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? यही पे सर मूर्ति एक अठारह सौ चौरानवे में चौरानवे लिखा, में ठीक है। अठारह अब सौ फिनिक्स चौरानवे में सेटलमेंट की बात करेंगे, फिनिक्स सेटलमेंट 1904 में बन गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ब्रह्मचर्य को कब अपना लिया, मतलब इन्होंने ब्रह्मचर्य का कब अपना लिया था गांधी जी? अच्छा, उन्नीस उन्नीस सौ सौ छह में, ठीक है, बहुत सुंदर, मुस्लिम ठीक लीग का है। स्थापना सदा, सर इसी टाइम हुआ था। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे यही पे। इसके सत्याग्रह पद को कब अपनाया था? 1908 में अपनाया था, मगनलाल गांधी के सूत्रीकरण सदाग्रह के आधार पर सत्याग्रह, ठीक है, मगनलाल गांधी याद रखेगा, ठीक है। बाद कैसर हिंद स्वराज कब इन्होंने लिखा? जहाज पे लिखा था, जिसका नाम था कैसर जहाज पे कब लिखा था हिंद स्वराज? 1909 में, ठीक है। चलिए, बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, जिसपे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? 1915 9 जनवरी 1915 1915 में, ठीक है। कैसर हिंद से इनको सम्मानित कब किया गया? 1915 में उन्नीस सर सौ इसी पंद्रह टाइम उन्नीस सौ पंद्रह में, किए ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले का दक्षिण अफ्रीका दौरा आरंभ हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले इनके कौन थे? राजनीति गुरु थे। 1912 की बात है, ठीक है। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब की? टॉलस्टॉय फॉर्म 1910 किया था 1910 में, किया था टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना। टॉलस्टॉय एक रशियन लेखक थे, इन्होंने किताब लिखी थी वॉर एंड पीस, ठीक है, मतलब युद्ध और शांति, ठीक है। साबरमती की स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ? 1917 सत्याग्रह, जिसको प्रथम सविनय अवज्ञा भी कहा गया, कब कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, बिल्कुल, 17 ठीक है। और अहमदाबाद मिल मजदूर स्ट्राइक कब हुआ था? 1918 तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कहां पे किया? चंपारण में, दक्षिन अफ्रीका में किए थे ना अहमदाबाद मिल नहीं, हड़ताल में 1915 किए थे, अहमदाबाद मिल हड़ताल में पहली सॉरी, बार। अहमदाबाद मिल हड़ताल में 1918 में पहली बार, ठीक है। चलिए, जी खेरा सत्याग्रह में पहला बार असहयोग का प्रयोग है, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 पूछेगा आपसे, अगर अहमदाबाद पहले हुआ फिर खेरा पहले हुआ, तो कौन पहला हुआ? अहमदाबाद पहले हुआ फिर पहले खेरा, होगा, बिल्कुल अहमदाबाद पहले अहमदाबाद हुआ, पहले होगा, अहमदाबाद बहुत सुंदर, ठीक है। चलो, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? चलिए, हंटर आयोग ने अमृतसर में जलियांवाला नरसंहार की जांच के लिए नियुक्त किया गया था, 1920 की बात है, ध्यान में रखिएगा। और इसके इसके हंटर आयोग के रिपोर्ट में 300 कुछ लोगों की मरने की बात कही गई थी, लेकिन इसके काउंटर करते हुए कांग्रेस ने एक मतलब आयोग बनाया था, इसमें 1,000 से प्लस लोगों का हाथों हाथ, हाँ बिल्कुल, तहकीकात, क्या नाम है? तहकीकात, इसको हेड कौन कर रहे थे? तहकीकात को हेड कौन कर रहे थे? नहीं, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, नहीं, महात्मा गांधी उसके सदस्य थे लेकिन अध्यक्ष नहीं थे, मदन मोहन मालवीय उनके अध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महात्मा गांधी उसके सदस्य बनाए गए थे, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी उनके सदस्य थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू उसके सदस्य थे, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष ध्यान में रखिएगा, मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार, अमृतसर का नरसंहार की घटना किस तारीख को हुई थी? 1919 1919 को, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। वर्ष 1919 को रॉलेट एक्ट का जो सत्याग्रह जो आया था, तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट बनाया गया था, जो कि एक देशद्रोही लोग देशद्रोही कानून था, जिसको सेडिशन एक्ट कहते थे, ठीक है। यह एक मतलब ये सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इसको अध्यक्षता के लिए कमीशन कब गठित किया गया था? गया था 1970 में कमीशन बनी थी, 1919 में इसको कानून का रूप दे दिया गया था, लागू कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में 1917 में ही मतलब बन गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना। अब तो 1917 में ही बनी, इसको काला कानून के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी व्यक्ति को पकड़ के 2 वर्ष तक बिना कानून, बिना मतलब कोर्ट में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उपस्थित किए बिना उनपे 2 वर्ष के लिए मतलब उनपे मुकदमा चलाया जा सकता था, मतलब उसको रखा जा सकता था नजरबंद करके, ठीक है। चौरा चौरी में पुलिस कर्मियों की मौत के बाद गांधी जी ने मतलब असहयोग को वापस कब ले लिया? कितने तारीख को असहयोग को वापस ले लिया था? 22 में ना, 12 अप्रैल, 12 फरवरी 1922, ठीक है। कांग्रेस की एकमात्र अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, कौन सी अध्यक्षता की थी? इसमें 19 ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का गठन गांधी जी ने किए किया कब किया था? स्पिनर्स का मतलब चरखा होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक के नाम से जानते हैं, ये मतलब कब हुआ था? सत्याग्रह आश्रम से डांडी मार्च का आरंभ किया गया। डांडी मार्च जो कितने मील की दूरी पे था, मतलब डांडी से, मतलब इस सत्याग्रह आश्रम से डांडी मार्च की दूरी कितनी थी? 24 मील, है कितनी है? 240 मील, 240 ठीक है। 24 दिनों की यात्रा हुई थी, कितने दिनों की यात्रा हुई थी? 24 दिनों की यात्रा हुई थी। शुरू कब हुई थी यात्रा? चौबीस तारीख मील को, मतलब 12 मार्च से।
सर एक मील में मतलब दस, अरे मैं नेट नहीं के चलो सर होता है ठीक है, दो सौ चालीस इसको क्या करेंगे ना 240 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना होगा उतना ही मील होगा ठीक है। ठीक है 1.6 समथिंग होता है ठीक है, मील है वो किलोमीटर में आ जाएगा, 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। तो कितने तारीख को शुरू हुई थी सत्याग्रह आश्रम से ये सारी चीजें? 12 मार्च से ठीक है। 24 दिन के बाद कितने तारीख को पहुंच गए वहां पे डांडी? 6 अप्रैल को। और उसी दिन मतलब इन्होंने नमक कानून को तोड़ा, उसी दिन से मतलब सविनय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अगर सविनय आंदोलन की शुरुआत अगर पूछेगा तो 6 अप्रैल बताइएगा ठीक है। चलिए लाहौर में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को पारित किया गया, ये 1929 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बहुत सुंदर ठीक है। गांधी जी की बायोग्राफी की बात करें द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, कब आई थी, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1925 में। अगर पूछेगा किस भाषा में है ठीक है, अंग्रेजी में है, किसमें है ये? अंग्रेजी में है ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए थे, कब गए थे ये? 1931 में गए थे ठीक है। बहुत सुंदर ठीक है। चलिए एक ही बार बोलना है 31 ठीक है। चलिए बात करेंगे आप सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा ठीक है, किस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की गई थी, क्या बताएंगे? मैकडोनाल्ड की गई थी ठीक है। पूना पैक की बात करेंगे तो पूना पैक मतलब किसके किसके बीच में होता है? पूना पैक अम्बेडकर गांधी जी के बीच। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1932 में ठीक है। 1946 में जो आई थी कैबिनेट मिशन योजना आई थी जिसके आधार पर संविधान सभा की नींव रखी गई थी, तो इसके सदस्यों का नाम बताइए क्या क्या हो जाएंगे? पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे, ए बी अलेक्जेंडर हो जाएंगे ठीक है। भारत छोड़े का प्रस्ताव को 1942 में अपनाया गया, तारीख बता सकते कितने तारीख को अपनाया गया? 8 अगस्त को। बहुत सुंदर ठीक है। त्रावणकोर मंदिर में हरजीनों का प्रवेश नहीं था ठीक है, इसके लिए 1936 में हरजीनों को प्रवेश करवाया। त्रावणकोर किस राज्य में पड़ जाएगा, अभी वर्तमान स्वरूप की बात करेंगे तो केरल में। बहुत सुंदर ठीक है। चलिए एक एक यहाँ पे एक और वायकम सत्याग्रह हुआ था ठीक है, वायकम सत्याग्रह में क्या था, एक मार्ग था ठीक है, एक रोड था ठीक है, वहां पे दलितों को चलने की परमिशन नहीं दिया गया था, मतलब सड़क पे दलित नहीं चलते चल सकते, तो इसीलिए वायकम सत्याग्रह आई थिंक 1927 की बात है ठीक है, 1927 हाँ सही लग रहा है ठीक है, ध्यान देख लीजिएगा। वायकम सत्याग्रह मुझे 27 याद आ रहा है, तारीख में डाउट हो सकता है ठीक है। 1933 में हरिजन सेवक हिंदी में और गुजराती में हरिजन बंधु प्रकाशन किया। वायकम सत्याग्रह चेक कीजिए तो 27 ही है ना। कांग्रेस कार्य समिति ने संविधान सभा के गठन को स्वीकार करने का मंजूर दिया, ये 1946 में थी। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई, प्रार्थना सभा में जाने के दौरान दिल्ली में इनकी हत्या हुई थी। राजघाट दिल्ली में गांधी जी को समर्पित एक स्मारक है ठीक है, जो कि यमुना नदी के तट पे है, आप देख सकते हैं ठीक है। रामदास गांधी ने इनका अंतिम संस्कार किया था ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे गांधी जी को लेकर कुछ फैक्ट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और 1924 अच्छा ठीक है, वही मुझे लगा से कुछ मतलब डाउट है। तब गांधी जी को रिलेटेड कुछ मतलब फैक्ट है उसको जरा हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले खादी ठीक है, मोहनदास करमचंद खादी। वर्ष 1918 में गांधी जी ने भारत के गांव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए एक राहत कार्यक्रम के रूप में खादी को अपना आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने इसे विदेशी सामग्रियों, विदेशी शासन का प्रतीक पर निर्भरता के अंत के रूप में देखा। इस प्रकार यह पहला सबक या वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने की सहायता थी। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गांधी जी ने खादी को क्यों चुना, तो गांधी जी हमेशा ऐसे चीजों को चुनते थे जिनसे सभी लोगों का मतलब क्या होगा, उनसे मतलब ठीक है, उनसे मतलब अपना अस्तित्व को मतलब प्रदान कर। जैसे गांधी जी ने नमक को चुना, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक को ही मतलब क्यों चुना, क्योंकि गांधी जी ने देखा से भाई साहब नमक के साथ न तो कोई हिंदू है, न तो कोई मुसलमान है, न तो कोई सिख होगा, न तो ईसाई होगा ठीक है, न तो किसी धर्म विशेष की बात होगी, नमक तो सबके द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसलिए गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर प्रतीकात्मक रूप से नमक को चुना। उसी तरह गांधी जी ने खादी का प्रयोग किया, और उस समय भारत के देश भारत में आप देखेंगे ना विदेशी कपड़ा का चलचलन बहुत ज्यादा था, तो गांधी जी ने सभी को इकट्ठा किया, बोला सर आप अपने लिए 2 कपड़ा तो वर्ष में बना ही सकते थे, मनुष्य को 2 से 3 कपड़ा चाहिए वर्ष में पहनने के लिए। अब सभी को गांधी जी ने मतलब चरखा चलाना सिखाया, उन्होंने बोला से विदेशी कपड़ा को बहिष्कार करो, अपने ऊपर मतलब क्या है खुद को मतलब निर्भरता लाइए ठीक है, विदेशी प्रतीक के रूप में विदेशी सामग्रियों का बहिष्कार करने की बात इन्होंने कही ठीक है। और इन्होंने मतलब ये भी कहा कि पहला सबक था जब जब इन्होंने ठीक है वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने में
ठीक है, सहायक था। उसके बाद चरखा के बात करेंगे तो महात्मा गांधी आधुनिक युग के आलोचक थे, महात्मा गांधी जी आधुनिक युग के आलोचक थे, जबकि नेहरू की बात करें तो नेहरू जी आधुनिक युग के मतलब क्या थे, बहुत बड़े मतलब समर्थक थे। इसलिए जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर जब बनते हैं तो आप देखो, जैसे नेहरू जी पंचवर्षीय योजना के, सॉरी आप देखेंगे पहला वाला जो योजना के बाद दूसरा वाला जो योजना जो आता है उसमें देखेंगे इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा बल दिया गया, जबकि गांधी जी आधुनिक युग के मतलब क्या थे, बहुत बड़े मतलब आलोचक थे, और बड़े बड़े इंडस्ट्री के समर्थक नहीं थे, छोटे और कुटीर उद्योग के मतलब क्या थे, ये बहुत बड़े मतलब क्या थे, समर्थक थे। मनुष्य ने मशीनों को गुलाम बना, इनका मानना था मशीनों ने मनुष्य को मतलब क्या क्या गुलाम बना दिया है और श्रमिकों को प्रतिस्थापित कर दिया है, मतलब अगर मशीन की संख्या ज्यादा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है श्रमिक लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। उन्होंने चरखों के ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा, जब मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करेगा, चरखा गरीबों का पूरक आय भी प्रदान कर सकता है और उन्होंने आत्मनिर्भर बना सकता है, ठीक है, इसलिए मतलब उन्होंने चरखा को मतलब बढ़ावा दिया। तो कभी पूछेगा खादी को बढ़ावा देने के पीछे रीजन, चरखा को बढ़ावा देने के पीछे रीजन क्या था, तो यही सारी रीजन थी, ठीक है। आप देखेंगे संघर्ष का मध्यम चरण की बात करेंगे 1894 से लेकर 1906 तक, ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष के दो चरण, पहला चरण जो चलेगा 94 से लेकर 1906 तक और दूसरा चरण जो चलेगा 1906 से लेकर 14 तक चलेगा। 15 में गांधी जी कहां वापस आएंगे, तो 15 में गांधी जी कहां वापस आएंगे, भारत वापस आ जाएंगे, क्योंकि 14 के बाद मतलब विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और वहां का सरकार भी गांधी जी से तंग हो जाता है, वो सोचता है हम युद्ध बाहर के लोगों से युद्ध लड़े या फिर यहाँ पे मतलब लोकल लोगों से गांधी से युद्ध, उसमें गांधी जी को मतलब जो शर्तें होती उनको मान के बोलता है, गांधी जी हाथ जोड़ते हैं वापस चले जाइए, यहाँ बहुत हो गया, भारत में जाइए, भारत में भी आते तो ब्रिटिश को छोड़ते नहीं है, और 1915 में गांधी जी वापस भारत आ जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे मध्यम चरण की बात करेंगे तो 1894 से लेकर 1906 तक चला, जो कि दक्षिण अफ्रीका में चला था। इस चरण में गांधी जी ने क्या क्या किया, तो इस चरण में उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी विधायिका, लंदन में अपने वैश्विक सचिव और ब्रिटिश संसद को याचनाएं और निवेदन पत्र भेजने पर ध्यान केंद्रित किया। शुरू से मतलब क्या किया, इन्होंने निवेदन पत्र दिया, कहां कहां पे निवेदन पत्र दिया, तो दक्षिण अफ्रीका के विधायिका को निवेदन पत्र दिया, अपने वैश्विक सचिव जो था उनको निवेदन पत्र दिया और ब्रिटिश संसद को याचिकाएं और निवेदन पत्र भेजने पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। उसके बाद निष्पक्षता की उम्मीद में उन्होंने भारतीयों के एम्बुलेंस कोर बनाकर द्वितीय बोअर युद्ध में भी अंग्रेजों का सहयोग दिया। उन्होंने सोचा से मान लीजिए अंग्रेज अगर ऐसे नहीं सपोर्ट करे, लेकिन अगर हम उनके तरफ अपना मतलब ध्यान केंद्रित करेंगे, उनको मतलब सपोर्ट करेंगे तो हो ना हो वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। जैसा भारत में भी आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने बहुत सारे लोगों को मतलब क्या किया था, बहुत सारे लोगों के, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब आग्रह किया, इसीलिए इनको मतलब सेना में भर्ती करने वाला सर्जन की उपाधि दी गई भारतीयों के द्वारा, ठीक है, अतः सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अधिक कुपित हो जाते हैं, तो द्वितीय विश्व में गांधी जी का नारा था न तो एक पाई न तो एक भाई, ठीक है, न तो एक रुपया देंगे और न तो किसी व्यक्ति को देंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। जबकि प्रथम विश्व युद्ध में आप देखोगे से पूरी तरीके से ब्रिटिश को इन्होंने मतलब क्या किया है, समर्थन ही दिया है, ठीक है। तो उसी तरह शुरू में आप देखोगे तो दक्षिण अफ्रीका में आप क्या देखते हो, दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस कोर बनाकर द्वितीय बोअर युद्ध में मतलब ब्रिटिश को मतलब क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। युद्ध के बाद कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस उपाधि को त्याग दे दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने कैसर हिंद की उपाधि मिली थी, और कैसर हिंद की उपाधि कब मिली थी, क्योंकि भारत में नहीं मिली थी, दक्षिण अफ्रीका में ही इनको मतलब युद्ध के बाद बोअर युद्ध की जब समाप्ति जब हुई थी तो बहुत अच्छा मतलब इन्होंने सपोर्ट किया था, इनको दक्षिण अफ्रीका में कैसर हिंद की उपाधि दी थी। बोअर पदक से भी सम्मानित किया गया था, क्योंकि एम्बुलेंस कोर सेवा की इन्होंने शुरुआत की थी। बाद में जाके सारे पदक को मतलब तीन पदक को इन्होंने लौटाया था, जनरली लोग कैसर हिंद तो सब याद रखते, कैसर हिंद उपाधि था, इनको जुलू पदक दिया गया था, बोअर पदक दिया गया था। तो कैसर हिंद के साथ जुलू और बोअर पदक दोनों को मतलब क्या करते हैं, लौटा देते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस चरण में गांधी जी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की, जो कि कब हुआ था, नेटाल 1894 में, ठीक है। और अपना समाचार पर इंडियन ओपिनियन जारी किया, इंडियन ओपिनियन कब, 1903 में, बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गांधी जी ने शुरू में क्या की, तो शुरू में मतलब क्या किया, इन्होंने अनुनय किया, विनय किया, ठीक है। अब मतलब याचना करेंगे, याचना नहीं अब रन होगा, ठीक है। तो शुरू में इन्होंने पहला चरण में क्या किया, इन्होंने मतलब याचना किया। अब देखेंगे दूसरे चरण में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया, जिसमें निष्क्रिय प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा शामिल थे, ठीक है। तो सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा दक्षिण अफ्रीका में किया था, कब किया था,
लेकिन अगर पूछा भारत में इन्होंने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पे किया, तो भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया। भारत में सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग कब किया, तो सबसे पहले इन्होंने कहाँ पे किया था, ठीक है, कहाँ पे किया था, नहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे पहला प्रयोग भारत में इन्होंने चंपारण में ही ना करेंगे, चंपारण में, ठीक है, असहयोग का प्रयोग यहाँ पे करते हैं, ऊपर भी तो था, एक मिनट रुके, चंपारण ही होना चाहिए, एक सत्याग्रह जी सर चंपारण, हाँ ठीक है, चंपारण में सविनय अवज्ञा, असहयोग अगर पूछेगा ना तो असहयोग ध्यान रखे खेरा में असहयोग, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, वही मैं बता रहा था। उसके बाद मैं कहाँ पे था, कहाँ पे थे हम, यहीं पे थे, ठीक है, चलिए, तो ध्यान में रखेंगे आप है, तो इन्होंने यहाँ पे निष्क्रिय प्रतिरोध संघ का गठन किया, ठीक है, अपने जर्मन मित्र, इनका एक जर्मन मित्र हुआ करता था, एक ब्रिटिश मित्र हुआ था जिनका नाम था लुई, जो कि जीवन भर इनका मित्र रहा, तो जर्मन मित्र का नाम था क्या था, कालेनबाक, क्या नाम था, कालेनबाक की मदद से उन्होंने सत्याग्रहियों को रहने के लिए टॉलस्टॉय फार्म बनाया और उन्हें सौंप दिया, ठीक है, सत्याग्रहियों को रहने के लिए, ठीक है, टॉलस्टॉय फार्म भारत में गांधीवादी आश्रमों का पर नेता था, ठीक है, तो टॉलस्टॉय फार्म अभी भी दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही कौन थे, तो गांधीवादी सिद्धांत को अगर हम कहे से, गांधीवादी सिद्धांत एक डरपोक आदमी का सिद्धांत है, जहां पे कहा जाता है अगर कोई आदमी आपको एक थप्पड़ अगर मारे तो दूसरा थप्पड़ मारने के लिए भी दूसरा गाल उनके सामने आगे कर दीजिए, ये गांधी जी का मानना ये था, सत्याग्रही वही बन सकता है जो कि मतलब बहुत अधिक मतलब अंदर से मजबूत हो, क्योंकि अगर आपको कंटिन्यू अगर मारा जा रहा है, अगर उस समय अगर आपके मन में अगर ये भाव आ जाए, से इनके मरने से मान लीजिए क्या है, दूसरा गाल आगे रखने का मतलब क्या है, इस व्यक्ति अगर हमको मारेगा तो दूसरा बार इसको बोलेंगे फिर से हमको मारे, तो हो सकता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और वो व्यक्ति बदल जाए, वो अपना विचार को त्याग दे दे, लेकिन उस समय गांधी जी का मानना था से उस समय यह त्याग तभी किसी व्यक्ति कर सकता है जो कि बहुत अधिक अंदर से मजबूत हो, क्योंकि आपको आपको अगर ये ख्याल आ गया से अगर मान लीजिए हम दूसरा गाल अगर आगे किए और ये व्यक्ति का अगर मन नहीं बदला, ये हमको कंटिन्यू मारते गया, तो उस समय आपकी मृत्यु हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन में आप सत्याग्रही नहीं बन सकते हैं, ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे गांधी जी ने सत्याग्रह का जब दक्षिण अफ्रीका में जब प्रयोग किया तो आप देखोगे वहां पे क्या होता है, घटना में आपको देखते हैं वहां पे मतलब एक पेपर रखना पड़ता था जिसमें आपको नागरिकता होने का मतलब प्रमाण होता था, उस पेपर में हमेशा पॉकेट में रख घूमना पड़ता था, तो सबसे अधिक लोगों ने इसी का विरोध किया, हम तो दक्षिण अफ्रीका के नागरिक है फिर भी हमको नागरिकता का प्रमाण पत्र रखना क्यों, मतलब क्यों, मतलब हमको मतलब क्या होता है रखना पड़ता हमेशा, इसीलिए गांधी जी ने सबसे पहले उसको फाड़ा और उसको जला दिया, ठीक है, फार के सबसे पहले आग में उसको दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने डाल दिया, उसको देखा देखी और भी कुछ लोगों ने किया, पुलिस वाला गांधी जी को पकड़ लेता है, उनको मारने लगता है, ठीक है, लेकिन गांधी जी मतलब फिर वही काम करते हैं, फिर उठते हैं, फिर जाके फार के उसको आग में डालते हैं, फिर पुलिस वाला पकड़ता है, फिर उनको पीटता, फिर से जाके वही करते हैं, मतलब गांधी जी के मन में ये विचार नहीं है बस इसके मारने से हमारी मृत्यु हो सकती, तब तक वो ऐसा करते रहते हैं जब तक अधमरा ना हो जाते हैं, ठीक है, तो गांधी जी के विचार में सत्याग्रही के मन में बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए, इसे अगला आदमी हमको मार रहा है हम फिर भी वह काम करते जाते उसका हृदय परिवर्तन होगा कि नहीं, जिनके मन में यह विचार आ गया हम ऐसा करने से हमारी मृत्यु हो सकती, वह व्यक्ति सत्याग्रही नहीं होगा, उसे सच्चा अहिंसक और निडर रहना पड़ेगा, मतलब वो व्यक्ति सबसे अंदर से मजबूत होना चाहिए और उसको आगे का बिल्कुल भी ये चिंता नहीं होना चाहिए, ऐसे एक्टिविटी के द्वारा एक समय के बाद हमारी जान जा सकती है। अब ऐसा देखेंगे धरसना नामक स्थान पे जो बॉम्बे में पड़ता है, वहां पे अब्बास तैयब जी थे और सरोजिनी नायडू जी के नेतृत्व में, ठीक है, नमक का एक मिल था धरसना, वहां पे विरोध जब किया जा रहा था तो बहुत सारे लोग जो थे, तीन तरह की टीम बनाई गई थी, एक तरह के टीम जो थे विरोध कर रहा था, ब्रिटिश पुलिस वाले उनको मार रहे थे, और दूसरा व्यक्ति जो क्या था उनको उठा के जाके उसको कैंप में डाल रहा था, तीसरा टीम जो था उनका मरहम पट्टी कर रहा था, फिर एक टीम आ रहा था फिर उसको मार के लहूलुहान कर दिया जा रहा था, फिर उसको उठा के फिर मरहम पट्टी किया जा रहा था, ये प्रक्रिया कई घंटों तक चली, इसी क्रम में एक मिलर जो था वहां पे पत्रकार था वो लिखता है हमने अपने जीवन संपूर्ण जीवन में ऐसा दृश्य कभी भी नहीं देखा जहां पे मतलब लगातार लोगों को मारा जा रहा था लेकिन फिर भी लोग सत्याग्रही जो थे वो प्रदर्शन करना नहीं छोड़ रहे थे, तो गांधी जी के नजर में सत्याग्रही जो थे वो डरपोक नहीं बहुत ही मतलब निडर और मतलब अहिंसक मतलब रहना होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वह खराब व्यवस्था न्यायपूर्ण कानून के आगे कभी नहीं झुकेगा भले ही उसकी जान क्यों नहीं चली जाए, वह यह जरूर सोचेगा इस व्यक्ति का एक समय के बाद हृदय परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वह यह कभी नहीं सोचेगा इस प्रक्रिया में हमारी जान चली जाती है, अगर मान लीजिए हम फिर वह काम करने के अगर वह हृदय उस व्यक्ति का परिवर्तन ना हो वो फिर हमें मारे इसमें हमारी जान चली जाए, ऐसी सोच अगर किसी के मन में अगर आ जाता है तो व्यक्ति कभी भी सत्याग्रही नहीं हो सकता है, ठीक है, दैट इज द थिंकिंग ऑफ गांधी जी, तो कितने लोग इस थिंकिंग में विश्वास करते हैं,
करना इतने लोग इस थिंकिंग में विश्वास करते हैं, ठीक है। और वो संजय दत्त वाली थिंकिंग नहीं, ऐसे गांधी जी ने एक गाल बोला था आगे करने के लिए, दूसरा गाल को क्या करना उसके बारे में नहीं बोला था, उसमें दूसरा उसको पीट देना वैसा नहीं, ठीक है। आपने देखा होगा मूवी में दिखाया था कि गांधी जी के थिंकिंग था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में गांधी का अनुभव कैसा रहा। तो जनता के पास इस उद्देश्य के लिए योगदान और बलिदान करने की अपार क्षमता थी जिसे उन्हें प्रेरित किया। वो अपने नेतृत्व में अलग अलग वर्गों और धर्मों को भारतीयों को एकजुट करने में सक्षम थे। उन्होंने महसूस किया कि नेताओं को कई बार अलोकप्रिय निर्णय लेने पड़ते हैं, गांधी जी की बात हुई दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। उन्होंने अपनी नेतृत्व शैली और संघर्ष को तकनीक विकसित की, ठीक है। गांधी जी भारत में जब आते असहयोग के समय जो घटना घटती उस समय गांधी जी का क्या स्टेटमेंट था, दक्षिण अफ्रीका में हमारी संख्या बहुत कम थी लेकिन हम लोग क्या थे, सुनियोजित थे, इसलिए दक्षिण अफ्रीका में हमको सफलता बहुत जल्दी मिल गई। लेकिन भारत के लोगों को अभी भी क्या करना है, तो भारत के लोगों को अभी भी मतलब क्या करना है, बहुत अधिक सुनियोजित होना है। अभी हम भारतीय लोग जो है आंदोलन के लिए, ठीक है, तैयार नहीं है, ठीक है। इसी क्रम में एक व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया था, तो गांधी जी ने असहयोग के फैसला को वापस लिया। इसलिए इससे एक बात सजा होती है, तो कोई व्यक्ति मद्रास में गलती कर रहा है उसकी सजा बिहार को दी जा रही है, ठीक है। इसी तरह का किनका स्टेटमेंट था याद नहीं आ रहा, शायद तिलक का था क्या, इसी तरह का कोई स्टेटमेंट है। कोई आदमी कन्याकुमारी में कोई गलती करेगा तो उसको किसी मद्रास, उसको किसी बिहार के किसी गांव को व्यक्ति को उसकी सजा दी जा रही है, ठीक है। इसी तरह का किनका, मोतीलाल नेहरू का, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे गांधी जी ने चार प्रकाशनों को संचालित किया। पहला इंडियन ओपिनियन, साल बताते थे जल्दी जल्दी, इंडियन ओपिनियन 1903 में, ठीक है, 1903 ही होगा सर, बिल्कुल 1903 में। यंग इंडिया, यंग इंडिया बताइए कब होगा, यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा, मैं खुद भूल गया, 26 है क्या, 1919 है क्या, चेक कीजिए था, साल 1919 है यंग इंडिया, ये 1903। नवजीवन, नवजीवन 1903 कितना में था, नवजीवन, नवजीवन बताइए कब था, याद नहीं आ रहा मुझे, नवजीवन साथ अंतिम समय में हुआ था, ठीक है, आजादी के आसपास होता है। हरिजन कब था, हरिजन वो तो 33 में, 1933 में नवजीवन देखे थे कब था, नवजीवन आ जा रहा है, यंग इंडिया छे, यंग इंडिया 1919, ठीक है, ये भी सही, ये भी ठीक है, नवजीवन का नहीं पता, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे वो होम रूल आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रहा था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे गांधी जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखें 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत की वापसी आते हैं, ठीक है, इसी दिन वर्ष, ये भी ध्यान में रखेगा, 2003 से इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। वर्ष 2021 में ये छोड़ दीजिए, 2021 का थीम है तो उसको हटा दीजिए, ठीक है। भारत में गांधी जी का प्रारंभिक आंदोलन की बात करें, स्थानीय संघर्ष जनता की पहचान था। शुरू में तो भारत को कभी जानते नहीं थे, भारत में रहे नहीं थे, बहुत दिन भारत में रहने में ही गुजार देते हैं, ठीक है। पहला बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह होता है, प्रथम सबनीय अवज्ञा का प्रयोग यहीं पे करते हैं। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को नील बगान के मालिकों के सामने वाली समस्याओं पर गौर करने के लिए अनुरोध किया। तीन कठिया प्रणाली यहाँ पे डेवलप था, तीन कठिया प्रणाली का सबसे पहले इन्होंने विरोध किया। इसमें क्या था, जिसके द्वारा यूरोपीय बगान मालिकों को भारतीय किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मतलब क्या किया गया था, मजबूर किया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह में। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी को वास्तविक अर्थों में राष्ट्रीय नेता बना दिया, ठीक है। इसी समय गांधी जी को राष्ट्रीय नेता बना दिया गया। इसी समय गांधी जी कुछ दिन के बाद असहयोग के प्रस्ताव को मतलब क्या करते हैं, लाते हैं, ठीक है। रॉलेट एक्ट को अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, 1919 वाले को। इसने राजनीतिक कैदियों को, ठीक है, बिना किसी मुकदमे को 2 वर्ष तक, ये भी प्रश्न पूछा था, रॉलेट एक्ट में किसी राजनीतिक कैदी को कितने वर्ष तक कैद किया जा सकता है बिना किसी मुकदमे का, तो 2 वर्ष तक हिरासत में रहने की अनुमति दी। इस अधिनियम को भारतीयों से विशेष रूप से पंजाब क्षेत्र में व्यापक क्रोध का असंतोष सामना करना पड़ा, और इसी का विरोध करने के क्रम में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता पंजाब में। एक था डॉक्टर सत्यपाल किचलू, एक था कौन, सफेदुन, सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सफेदुन किचलू, नहीं नहीं डॉक्टर सत्यपाल और सत्यपाल मलिक, ठीक है, सत्यपाल मलिक तो गवर्नर है ना कहीं के,
आप चलते अहमदाबाद मीर मजदूर की बात की 1918 में हुआ था। यहाँ पे बोनस को लेके, ठीक है, पहली भूख हड़ताल थी, प्लेग बोनस बंद करने के मुद्दे पे मिल मालिकों में कामगारों के बीच में विवाद हुआ था। कितना प्रतिशत बोनस पे सेटलमेंट हो गया था? ये 33% 33 है, 33 मांगा गया था लेकिन कम मिला था, 33 मिला था सर। नहीं, मांगा तो ज्यादा गया था, 33 या 35 मिला था सर, देख लीजिए तो 33 मुझे लग रहा है सर, कि 35 है याद नहीं आ रहा, ठीक है। अब चलते खेरा सत्याग्रह की बात करेंगे, तो ये पहला सहयोग था 1918 में होता, खेरा गुजरात में पड़ता है। और खेरा सत्याग्रह के दौरान ही मतलब बात करेंगे, ठीक है, तो इनकी मुलाकात इनसे होती है सर, क्या नाम है इनका, पटेल साहब से, ठीक है। अधिकारियों ने फसल खराब होने पर भी छूट देने से इनकार कर दिया। खेरा गुजरात में सूखे के कारण फसल बर्बाद हो गई थी, ठीक है, इसीलिए गांधी जी ने यहाँ पे क्या क्या कहा था, कर मत दो, ठीक है, टैक्स नहीं देने की बात कही थी। तो पहला आशय यही पे, ठीक है, गांधी थोड़ी कहे थे, पटेल जी कहे थे कर मत दो। तो पटेल जी किनका नेतृत्व कर रहा था, गांधी जी का ही नेतृत्व कर रहा था ना, लेकिन ये देता है गांधी जी के बिहाव पे ही मतलब थे, गांधी जी की नीति को अनुसरण किया। 35 मांगा गया था, 20 मिला था उनको। अच्छा, 35 मांगा गया था, 20 मिला था, 20 मिला था, ये कम नहीं हो गया कुछ? अच्छा, हम देख लेंगे, ठीक है। जलियांवाला बाग में नरसहारी अमृतसर का नरसहार 1919 में जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पे फायरिंग करवाने से हजारों लोग की मौत हो गई। बैसाखी के दिन सफेदुन किचलू और सत्यपाल जी को अरेस्ट किया गया। विरोध के प्रदर्शन करने के लिए लोग वहां पे एकत्र हुए थे, उस दिन कौन सा दिन था, बैसाखी का दिन था, ठीक है। इसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि मतलब लौटा दी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इस घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन रॉयल के खिलाफ सत्याग्रह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे चलाया गया। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे मतलब इस घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह वापस ले लिया, ठीक है, कौन सी घटना के बाद, आ गया चौरा चौरी, ठीक है, ध्यान रखिए, इसे हिमालयन बलंडर, ठीक है, बताया गया उन्होंने कैसर हिंद और स्वर्ण पदक जो था उनको भी लो। हिमालयन बलंडर मतलब समझ रहे, हिमालय टाइप की गलती मतलब मानी गई, ठीक है। वर्ष 1920 में हंटर आयोग के जलियांवाला बाग घटना की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। कौन सी कमेटी, तहकीकात कमेटी, इसकी अध्यक्षता कौन था, मंडन मोहन मालवीय साहब कर रहे थे। इसमें सदस्य की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे गांधी जी खुद इसके सदस्य थे, उसके बाद मोतीलाल नेहरू सदस्य थे इसके, मोतीलाल नेहरू जी भी इसके सदस्य थे, चितरंजन दास थे कि नहीं, ये दुगो का तब ध्यान में आ रहा, हो सकता कोई तीसरा भी रहा, ठीक है, तीसरा चौथा भी था, तीन चार लोग थे इसमें, ठीक है, दो का नाम मुझे परमिनेंट लोगों का नाम याद आ रहा, लेकिन अध्यक्षता की बात करेंगे तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा अध्यक्षता की करी जा रही थी, ठीक है।